सो हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। टुडे इज संडे और मैंने ये व्लॉग शूट किया, थोड़ा अभी एडिटिंग्स में और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मेरा एक्चुअली प्लान था, मैं काफ़ी टाइम से बारिश होने के बाद में तो लोनावला में मेरा जाने का प्लान था, बट मेरा अर्ली मॉर्निंग प्लान था क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि अर्ली मॉर्निंग शायद रश थोड़ा कम होगा लोनावला में। तो मैंने थोड़ा इंस्टाग्राम में लुकआउट किया एंड आई गॉट अ प्लेस विच इज़ इन तळेगाव दाभाडे, जहाँ पर कुंडमाला वाटरफॉल्स करके है, एक टेम्पल भी है उधर। तो मैंने सोचा कि आज वहाँ जाकर देखते हैं क्या है। तो अभी बज रहे हैं 2 एंड इट विल हार्डली टेक 1-1.5 आवर टू रीच देयर। सो डू नॉट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। बाय। रोड ब्लॉक करके रखा है और वहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए, बोल रहे कल आ जाओ। तो गाइज अगर आप ऐसे कुछ भी प्लान कर रहे हो ना यार, एक बार देख के करो। अभी मैं यहाँ से रिटर्न तो नहीं जा सकती हूँ घर पर सीधा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार लोनावला होके आती हूँ। बिल्कुल रश में नहीं जाना था आज, तो इसलिए मैंने सोचा मैं किसी ऐसी ब्यूटीफुल जगह आऊँ और कुछ अच्छा करूँ। सो यार दुनिया में ऐसे बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो मेरे अलावा पूरी दुनिया को पता है, इसलिए मुझे अपना खुद का हिडन जेम चाहिए। मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिल जाएगा आपको बताऊंगी। तो यार क्लाइमेट तो काफी सही लग रहा है। सो आई जस्ट होप कि मैं किसी अच्छे स्पॉट पर पहुंचूं। तो अभी मैं मेरे डेस्टिनेशन के थोड़ा और करीब आ गई हूँ। वाटरफॉल्स आप देख रहे हो, दे आर लुकिंग सो गुड। एंड मैं वहाँ से आई थी, मेरा गाड़ी आप देख सकते हो। तो इतना मैंने अभी वॉक कर लिया है। सो गाइज मुझे ना ये लोकेशन मिला है जहाँ, और मैं यहाँ पर प्लान कर रही हूँ मैगी बनाने के लिए। सो या मुझे ना यहाँ के लोकलाइट्स मिले हैं और ये सब मेरे साथ है। अभी हम लोग मैगी बनाएंगे और ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तक जा सकते हैं थोड़ा बहुत उसके आसपास। ये ट्रिप अच्छा हुआ ना तो इन लोगों की वजह से होगा। ठीक है चलो चलते, लेट्स गो। बट हाँ एरिया कुठला है? कुसगाव। अच्छा आणि इकडे जायला कसं जाता येईल? सगळे कोण आहे? फ्रेंड्स आहेत की बहीण भाऊ आहे सगळे? तो प्लान तो ये था कि बाहर हम इस चूल्हे पर मैगी बनाएंगे, पर बारिश और हवा दोनों ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया और फाइनली मैंने इनके घर में जो ऑलरेडी जहाँ चूल्हा जल रहा था वहाँ मैगी बनाया। आप देख सकते हो इतना प्यारा सेटअप था, एकदम मुझे अपने नानी के गांव वाली याद आ गई थी यहाँ आने के बाद। एंड इट वाज सो गुड एक्सपीरियंस। तो
तो फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद हमारा चूल्हा मैगी रेडी था एंड एकदम स्मोकी सा फ्लेवर आ गया था। तो हम सब ने मैगी को एंजॉय किया, इट वाज सुपर यमी एंड हमने काफ़ी सारी बातचीत की एक दूसरे के साथ में। सो द होल एक्सपीरियंस वाज सो गुड। इन लोगों की वजह से मुझे सच में नई मेमोरीज बनाने का मौका मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आज तो सोचा कुछ किया कुछ एंड हुआ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था ऑल ओवर। वाटरफॉल्स तो इन्जॉय नहीं किया बट नए लोग मिले एंड बहुत स्पेशल पॉइंट रहेगा इनके साथ हमेशा। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने नेक्स्ट संडे के लिए भी प्लान किया है, तो नेक्स्ट संडे ये लोग क्या मेरे लिए स्पेशल करेंगे या मैं इनके लिए कुछ स्पेशल करूँगी वो भी मुझे देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब बाय बोल दो। बाय।